यूरिन एनालिसिस, यूरिन का इंट्रोडक्शन, यूरिन एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, यूरिन एनालिसिस क्यों किया जाता है, यूरिन का कंपोजिशन, 24 आवर यूरिन का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ यूरिन। आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें जिससे आप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूरिन एनालिसिस का क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। यूरिन का फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यूरिन एनालिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरिन का फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, यूरिन एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। यूरिन एनालिसिस पेशेंट की इनिशियल एग्जामिनेशन यानी प्रारंभिक परीक्षण का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्या होता है? यूरिन के प्रारंभिक परीक्षण का क्या होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें पेशेंट का जनरल हेल्थ पैटर्न का पता चल जाता है। किसका पता चल जाता है? जनरल हेल्थ पैटर्न का पता चल जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें जो कंडीशन है वो किस किस कंडीशन में किया जाता है, देखिए द स्टेट ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, द स्टेट ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। इस टेस्ट में प्रोटीन या फिर यूरिन में प्रेजेंट या फिर अब्सेंट को देखा जाता है, ठीक है। इस टेस्ट में प्रोटीन या फिर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? इस टेस्ट में प्रोटीन या फिर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है उसको देखा जाता है। साथ ही यूरिन का फिजिकल प्रॉपर्टी एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके रीनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? रीनल या फिर यूरिनल फेलुअर या फिर इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, ठीक है, उसको पता लगाया जाता है। किसके थ्रू? ये द स्टेट ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट मेटाबॉलिक एंड सिस्टमैटिक नॉन रीनल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। इस टेस्ट में ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, बिलीरुबिन एंड सिस्टमैटिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज हो गया एंड जॉन्डिस का पता लगाया जाता है। किसमें? इन्फॉर्मेशन एंड अबाउट मेटाबॉलिक सिस्टमैटिक नॉन रीनल एबनॉर्मलिटी, किसमें? यूरिन एनालिसिस। जब हम यूरिन एनालिसिस का क्या करते हैं, हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो हमको इन सब का क्या होता है, एग्जामिन यानी इन सब का पता लगाया जाता है, ठीक। अब आगे देखेंगे यूरिन का कंपोजिशन क्या है। देखिए कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन एक फ्लूइड है, क्या है, फ्लूइड है जिसमें वाटर सोल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट किडनी के थ्रू ब्लड से एक्सक्रीट होते हैं, यानी वाटर सोल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किडनी से ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। यूरिन में 95% वाटर होता है, क्या होता है, 95% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है, 0.05% अमोनिया प्रेजेंट होता है, 0.18% सल्फेट प्रेजेंट होता है, 0.12% फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, 0.6% क्लोराइड होता है, 0.01% मैग्नीशियम होता है, 0.015% कैल्शियम होता है, 0.1% सोडियम होता है, 0.1% क्रिएटिनिन होता है, 0.3% यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये था यूरिन का कंपोजिशन। अब देखिए हम यूरिन का कलेक्शन कैसे करेंगे, जिससे हमारे सभी क्या होते हैं, जैसे हम कीटोन बॉडीज, बिलीरुबिन, बाइल का क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो अच्छे से कैसे विजिबल होगा, ठीक है। उसके लिए यूरिन का कलेक्शन कैसे करेंगे, देखिए टेस्ट के लिए मॉर्निंग का सैंपल यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमको यूरिन का टेस्ट करना है तो क्या करते हैं, मॉर्निंग का सैंपल यूज़ करते हैं। पहले तो कंटेनर प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कंटेनर प्रिपेयर करते हैं, फिर जो पेशेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन करते, क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसमें पेशेंट का नेम, जेंडर, एज और रैंडम है या फास्टिंग, इसे लेबल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, कंटेनर को प्रिपेयर करते हैं, फिर जो पेशेंट है इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका नाम गांव जो भी है लिखते हैं, इसमें पेशेंट का नाम, जेंडर, एज, रैंडमली है या फिर फास्टिंग, उसको लेबल करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर कंटेनर में बारकोड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बारकोड लगाते हैं। फिर पेशेंट को कंटेनर देते हैं और उसे यूरिन को कैसे कलेक्ट करना है उसे आप मेथड बताते हैं, क्या करते हैं, कैसे यूरिन को कलेक्ट करना है उसको एक मेथड बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसको बताते हैं फर्स्ट स्ट्रीम के यूरिन को फ्लो होने देना है, क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्ट्रीम के जो यूरिन रहेगा उसको क्या करते हैं, उसको फ्लो होने देना है, उसको बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलते हैं मिड स्ट्रीम के यूरिन को कंटेनर में कलेक्ट करना है, क्या करना है, जो मिडिल क्या होगा स्ट्रीम के यूरिन होगा उसको कंटेनर में कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। देन इन स्ट्रीम के यूरिन को क्या करते हैं, फ्लो होने देना है, ठीक है। होल कंटेनर में यूरिन मोलेक्यूल नीचे बैठ जाता है,
या डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए फर्स्ट एंड इंड स्ट्रीम के यूरिन को फ्लो होने देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 24 आवर यूरिन कलेक्शन। ठीक है, रैंडमली या फास्टिंग का हमने देख लिया कैसे यूरिन का कलेक्शन किया जाता है। 24 आवर यूरिन कलेक्शन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, देखिए। सबसे पहले जब पेशेंट लैब में आता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर कंटेनर प्रिपेयर करके उसे पेशेंट को कंटेनर प्रोवाइड करते हैं और उसमें उसे 24 आवर यूरिन कलेक्शन की ऑल इन्फॉर्मेशन देते हैं और कलेक्शन करते समय कुछ प्रिकॉशन का ध्यान देना है उसे बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं आपको, जैसे पहले डाइट करते थे सेम डाइट करना है उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप जैसे पहले डाइट करते थे सेम उसी प्रकार का डाइट करना, कोई भी बदलाव नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जैसे आज दो दो तारीख दूसरा महीना 2012 है, मान लीजिए आज का डेट है, आज कौन सा डेट है, आज मान लीजिए 2 तारीख दूसरा महीना 2022 है। ठीक है, तो उसका जो तो उसको 3/2/2022 के फर्स्ट टाइम के यूरिन को क्या करना है, पास आउट यानी डिस्कार्ड करना है। जो जैसे हम 2 तारीख है, ठीक है, तो फिर 3 तारीख से हमको कलेक्ट करना है, तो जब हम सुबह उठेंगे तो उसको क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम के यूरिन को डिस्कार्ड करना है। ठीक है, देन फिर सेकेंड टाइम के यूरिन को क्या करना है, सेकेंड टाइम के यूरिन को कलेक्ट करना है। क्या करते हैं, जब कलेक्ट करें तो उस टाइम को नोट करते हैं, जैसे सेकेंड टाइम का जब हम यूरिन कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उस टाइम को नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे फिर 4 तारीख का 4/2/2022, ठीक है, उस टाइम तक जिसे अपने नोट डाउन किया है तक यूरिन को क्या करते हैं, उसी कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने 3 तारीख को सेकेंड क्या किया, सेकेंड टाइम का यूरिन को कलेक्ट किया, तो फिर हमको 4 तारीख 4/2/2022 तक क्या करना है, उस टाइम तक क्या करना है, यूरिन को कलेक्ट करना है। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, नोट डाउन कर उस जिस अपने जिस टाइम को नोट किया था उस टाइम तक कलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यूरिन को उसी कंटेनर में कलेक्ट करने के लिए बताते हैं, फिर यूरिन सैंपल को लेबोरेटरी में भेज देना है। ठीक है, सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम के यूरिन को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। ठीक है, इसके बाद जैसे आज का डेट है, ठीक है, आज 3 तारीख है, तो आज सुबह के दूसरे फर्स्ट स्ट्रीम के को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, सेकेंड टाइम को जो हमने कलेक्ट किया उस टाइम को नोट करना है, उस टाइम से लेके 4 तारीख तक उसी टाइम को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद यूरिन कंटेनर को क्या करते हैं, लैब में भेजने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अब लैब में क्या क्या प्रिजर्वेशन का यूज किया जाता है उसको देखिए। प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन, यूरिन सैंपल डिकम्पोज होने से प्रिवेंट करने के लिए प्रिजर्वेशन का प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। ठीक है, जो इस प्रकार है, कैसे, टालुइन है 2 ml है, ठीक है, या फिर 100 ml पर यूरिन में कितना लेना है, कितना लेना है, टॉलुइन को लेना है 2 ml पर 100 ml यूरिन में। ठीक है, थाइमोल 1 क्रिस्टल लेना है पर 100 ml यूरिन में, फॉर्मेलिन 3 ड्रॉप लेना है पर 100 ml यूरिन में, क्लोरोफॉर्म 5 ml लेना है पर 100 ml यूरिन में। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिन एनालिसिस देखते हैं, यूरिन एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यूरिन एनालिसिस के द्वारा बॉडी में इंफेक्शन एंड फ्लूइड ओवरलोड एंड मोलेकुल डिसबैलेंस का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है, यूरिन एनालिसिस के द्वारा बॉडी में इंफेक्शन एंड फ्लूइड ओवरलोड एंड मोलेकुल डिसबैलेंस को पता लगाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस, कौन कौन से सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। ठीक है, देखिए सिग्निफिकेंस, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नेफ्राइटिस हो सकता है, लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में भी यूरिन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी में भी करते हैं, रीनल कैलकुली में भी करते हैं। ठीक है, ये सब इसके सिग्निफिकेंस है, और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस है जो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, रूटीन टेस्ट फॉर यूरिन एनालिसिस, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं रूटीन में यूरिन एनालिसिस के लिए। यूरिन एनालिसिस के लिए रूटीन टेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, दूसरा है केमिकल एग्जामिनेशन, तीसरा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देन उसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, देन उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा यूरिन एनालिसिस क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कंपोजिशन क्या है, यूरिन को कैसे कलेक्ट करेंगे, रूटीन में कैसे करेंगे, फास्टिंग में कैसे करेंगे, 24 आवर्स में यूरिन का कलेक्शन कैसे करेंगे, और इसमें यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए कौन से प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप
आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम डेली आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।